यह है कहानी आज से 5 साल पहले की, जब पूरे इंडिया में एक ही नाम पॉपुलर था, सोनम गुप्ता बेवफा है। इस मूवी में हम देखेंगे उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी की शुरुआत में हमें बरेली दिखाई जाती है, जहाँ पे सिंटू का अभी जन्म हुआ है और उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला जा रहा है। दूसरी तरफ जन्म होता है सोनम का। उसके पिता को वैसे तो लड़का चाहिए था, बट लड़की हो जाती है। सोनम के बड़े हो जाने पर उसके गली मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। अभी तक सोनम के पिता 10 से ज़्यादा सिटी चेंज कर चुके हैं सिर्फ सोनम की वजह से। अब फाइनली है लोग सिंटू की सिटी बरेली आ जाते हैं। सोनम बरेली की सबसे सुंदर लड़की है, पूरे इलाके के लड़के इसके पीछे पागल हैं और पूरे दिन उसके पीछे घूमते हैं। उनमें से एक हमारे सिंटू भैया भी है। सिंटू भैया पूरे दिन उसका पीछा करते हैं और उन्हें जब पता चलता है सोनम यहाँ से निकलने वाली है, वह अपने फ्रेंड के साथ बाइक लेकर उसके पीछे निकल। एक दिन सिंटू को लड़की वाले देखने आते हैं और उसकी माँ उस लड़की में कमी निकाल देती है कि यह लड़की सांवली। लड़की के घर वाले पूछते हैं कि आपका लड़का कहाँ तक पढ़ा है। सिंटू बताता है कि मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। इस वजह से लड़के वाले वहाँ से उठकर चले जाते हैं। साथ ही उनकी मम्मी दहेज की डिमांड भी करती है। सिंटू की मम्मी को यह लगता है कि सिंटू जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है सिंटू और उसका दोस्त तैयार होकर सोनम के कोचिंग के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनके अलावा गली मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियों को देखने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है अपना मजनू पिंजड़ा लेकर और वहाँ पर सब लड़कों को पकड़ने लगती है। जब पुलिस सिंटू को पकड़ने जाती है तो सोनम वहाँ पर आ जाती है और सिंटू को बचा लेती है और उसको कहती है मुझे घर छोड़ दे तेरी बाइक पर। फिर सिंटू सोनम को लेकर पूरे इलाके में उड़ता हुआ उसके घर की तरफ जाता है। जितने भी मोहल्ले में लड़के आदमी सब उसको देखते हैं, आखिर सोनम उसके साथ बाइक पर बैठी कैसे। ऐसा इसलिए होता है सोनम भी कहीं ना कहीं सिंटू को नोटिस किया करती थी। सोनम घर पर पहुँच कर उसे 10 के नोट पर अपना नंबर देती है। जैसे सिंटू को सोनम का नंबर मिलता है वह बहुत खुश होता है और पूरे इलाके में उसकी इज्जत बढ़ जाती है और वह अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं और सिंटू शादी के सपने देखने लग जाते हैं। और फिर गलती से सिंटू से नंबर खो देता है और वह नोट दूध वाले के पास चला जाता है। दूध वाला सोनम को कॉल करता है और पूछता है कि मैं आ सकता हूँ। सोनम जवाब देती है हाँ आ जाओ, मैं गली में अपने घर की छत पर मिलूंगी। सोनम को लगता है यह कॉल सिंटू ने किया है, पर जब दूध वाला आता है तो सोनम के पिता उसको पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं और सिंटू भी आ रहा होता है। यह देखकर वह भाग जाता है। फिर सिंटू सोनम को सॉरी बोलता है और उसको बताता है कि मेरे से नंबर खो गया है, तो सोनम सिंटू को दोबारा नंबर लिख के दे देती है। वहीं दूसरी ओर सिंटू की मम्मी सिंटू के पापा को फोर्स कर रही होती है कि सिंटू के लिए एक शोरूम को, क्योंकि सिंटू हमारी छोटी सी दुकान में नहीं बैठेगा। सिंटू के फादर वहाँ के एक लोकल बिजनेसमैन थे और सिंटू के शोरूम खोलने के लिए वहाँ के एक लोकल गुंडे से 10 लाख रुपये उधार ले लेते हैं और अपनी दुकान गिरवी रख देते हैं। साथ ही हमें यह दिखाया जाता है कि सोनम जो है वो अमेरिका जाना चाहती है और उसके सपने जो है वो बहुत बड़े बड़े। सोनम के फादर एक बैंक में नौकरी करते हैं जो कि सोनम के लिए ऐसा पति चाहते हैं जिसकी सरकारी नौकरी। एक दिन सरकारी नौकरी वाला एक लड़का उसको देखने के लिए आता है। सोनम उसको डरा कर वहाँ से भगा देती है। दूसरी साइड सिंटू जो है वो सपने सजाने लगता है क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा कम है, वह भोला वाला टाइप का लड़का है। फिर एक दिन सिंटू के घर में जागरण होता है। वह जागरण का कार्ड देने के लिए सोनम के घर जाता है, उसको कार्ड देता है और अपने घर आता है। जागरण वाली रात दोनों एक जगह मिलते हैं तो यहाँ दोनों के बीच बहुत ज़्यादा करीबियाँ आ जाती है और वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सिंटू के लिए यह बहुत, क्योंकि उसने पहली बार किया था और वह भी उसके साथ जिसके साथ वह प्यार करता था। सोनम को देखकर ऐसा लगता है कि उसके लिए पहली बार नहीं था और ना ही इससे उसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ा है। दूसरे सीन में हम देखते हैं सिंटू सोनम के पिता के बैंक में जाता है और उनसे सोनम का हाथ मांगता है और शादी की बात करते हैं। उसके फादर उसको यह बात कहकर भेज देते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। सिंटू वहाँ से सीधे दर्जी के पास जाता है और अपनी शादी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है क्योंकि सिंटू तो बहुत ही ज़्यादा भोला वाला है। उसी रात सोनम सिंटू को अपने घर बुलाती है और कहती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पापा को गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए। सिंटू कहता है कि क्या हुआ तो मैं गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लूँगा। सोनम हंस के कहती है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं है, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, हम भाग कर शादी कर लेंगे। सिंटू पहले तो मना कर देता है पर फिर सोनम अब उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और राजी कर लेती है और कहती है तुम कुछ पैसों का इंतज़ाम कर मुझे ला कर देना और कुछ पैसों का इंतज़ाम मैं कर लूँगी,
और परसों मेरी बताई जगह पर आ जाना, हम वहाँ पर शादी कर लेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। सिंटू के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। वह अपने एक दोस्त की मदद से पैसे लेने उस इंसान के पास जाता है जहाँ पर उसके फादर ने पहले ही पैसे ले रखे थे। वह गुंडा चिंटू को 50,000 रुपये दे देता है और कहता है कि शादी में मुझे नहीं बुलाएगा चिंटू। चिंटू कहता है हाँ तुम भी आ जाना, अगले बुधवार को शादी है। वह गुंडा अपने आदमी से बोलता है यार इस बुधवार को ये सबकी शादी कैसे हो रही है। और नेक्स्ट डे चिंटू सारे पैसे सोनम को दे देता है और बुधवार के दिन मस्त रेडी होकर दूल्हे की ड्रेस में उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे सोनम ने बुलाया था। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि उसके साथ साथ 4 दूल्हे और भी आए हुए हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सोनम ने इन सबको बेवकूफ़ बनाया है और उनसे पैसे लूटे हैं, यहाँ से भाग गई है। इन सब ने उसी डॉन से पैसे लिए थे जिससे चिंटू ने लिए थे और इन सब ने भी शादी की डेट बुधवार की बताई थी, इसलिए डॉन कहता है कि सभी की शादी बुधवार को ही कैसे हो। चिंटू का दिल टूट चुका है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोस्तों के साथ बैठा रहता है और गुस्से में आकर 10 के नोट पर लिख देता है सोनम गुप्ता बेवफा है। देखते ही देखते पूरे भारत में यह खबर फैल जाती है। टीवी पर, अखबार में, न्यूज़ में, सब जगह दिखाया जाने लगता है। सोनम का कुछ पता नहीं चलता कि आखिर यह सोनम गुप्ता कौन है। सिंटू की मामी सिंटू को सेट देखकर उसके लिए एक लड़की का रिश्ता बताती है जिस लड़की का पहले डिवोर्स हो चुका था। सिंटू की मम्मी को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि मेरे बेटे में कोई कमी है क्या जो एक डिवोर्सी लड़की से शादी करेगा। एक दिन सिंटू को एक मैरिज कार्ड मिलता है जिसमें सोनम गुप्ता का नाम लिखा होता है। सिंटू को वह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह घर जाकर अपनी मामी से कहता है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सिंटू की मामी का एक भांजा है, उसकी मैरिज का फंक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर सिंटू भी गया होता है। तभी वहाँ पर सिंटू देखता है कि सोनम भी आई हुई है अपने मंगेतर के साथ। सिंटू उसे देखकर बहुत सैड हो जाता है और उसे पकड़कर पूछता है ऐसी क्या कमी थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया। सोनम सिंटू के सिर को पकड़ के कहती है तुम्हारा यह छोटा है, पर सिंटू को लगता है कि उसका मेन पार्ट छोटा है इसलिए वह बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और इसके बाद वह अखबार में एड देखकर हकीम और बाबाओं के चक्कर लगाने लग जाता है। दूसरी साइड सोनम वीज़ा ऑफिस गई हुई होती है वहाँ पर अमेरिका का वीज़ा लगवाने के लिए। तभी वीज़ा लगाने वाला मजाक में सोनम को कहता है कि आप कहीं सोनम गुप्ता बेवफा वाली सोनम तो नहीं है ना। तो उसके मंगेतर को पता चलता है कि यहाँ पे कोई सोनम नाम की लड़की है जो बहुत ज़्यादा बदनाम है। सोनम और उसका मंगेतर अपने एंगेजमेंट की पार्टी रखते हैं। यहाँ फिर कुछ लोग आए होते हैं। वहाँ पर एक लड़का सोनम को बेवफा कहता है बस मजाक करने के लिए। फिर सोनम का मंगेतर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सोनम से पूछता है कि सोनम नाम इतना बदनाम क्यों है। सोनम कहती है कि मुझे नहीं पता। सोनम का मंगेतर कहता है कि तुम अपना नाम बदल लो। सोनम को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह गाड़ी में से उतर कर चली जाती है। दूसरी तरफ सिंटू हकीम के पास गया हुआ होता है। पहले से जहाँ से दवाई लाया था उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वह दूसरे हकीम के पास गया और उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है और वह हकीम उसको बताता है कि इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि तुम नॉर्मल हो। हकीम उसको बताता है कि जब तुम किसी से प्यार करोगे और कोई तुमसे प्यार करेगा तो हमारी इन चीज़ों को नहीं देखता। सिंटू को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह खुश होकर अपने घर चला जाता है। सोनम के पापा सोनम को अपनी सारी सेविंग दे देते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा सपना है वह पूरा करो। दूसरी तरफ सिंटू की शादी हो रही होती है और उसी समय वहाँ पर वो लोकल डॉन आ जाता है और सिंटू के पापा को अपने साथ ले जाता है। फिर सिंटू की पूरी फैमिली उसको छुड़वाने जाती है तो डॉन कहता है पहले मेरे पैसे रखो फिर उसको ले जाना। सिंटू की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते हैं और रात का टाइम होने की वजह से यह लोग इंतज़ाम भी नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर सोनम आती है और उसके फादर ने जो पैसे दिए थे वह उस डॉन को दे देती है। सिंटू के पापा को आज़ाद करवाती है और सिंटू से कहती है तुम्हारा दिमाग छोटा है। उसके बाद सिंटू बहुत ज़्यादा सुधर जाता है और अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और पैसे कमाने के बाद सोनम के घर जाता है और सोनम को उसके सारे पैसे वापस कर देता है। यह फिर दोनों एक दूसरों को हक करते हैं और फिर वहाँ से चला जाता है। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।